और क्या हालचाल है मेरे शरूक, सब कुछ बढ़िया ना। तो दोस्तों आ चुका हूं मैं आपके सामने एक और नया और इंटरेस्टिंग वाले वीडियो लेके। जी यहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं एंड्रॉइड के कुछ चार ऐसे खतरनाक वाले टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आई एम श्योर कि आपको पता नहीं है। है पता तो लिखो कमेंट में, वीडियो देखने से पहले क्या बताने वाला हूं। खैर जो भी है, सबसे पहले आज आपको एकदम मेन्यू में दिखा देते हैं क्या कुछ आप सीखने वाले हैं, उसके बाद एक इंट्रो, उसके बाद काम की बातें, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप सीखने वाले हैं वो है किसी भी तरीके का वीडियो फाइल को चुटकियों में कैसे ऑडियो फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी कोई भी ऐप के बगैर। दूसरी चीज, ये सेटिंग्स आप अगर आपके दोस्त के फोन में ऑन कर देते हैं तो आपका दोस्त बावड़ा हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो करके देखिए, लेकिन शर्त बस इतनी रहेगी कि आपके दोस्त के साथ ये प्रैंक करते वक्त हंसिएगा मत, नहीं तो वो पकड़ लेगा। आइटम नंबर 3, अगर आप भी एक सिंगल लौंडा या फिर लौंडी हैं और आपके पास भी कोई करीबी दोस्त नहीं है तो टेंशन मत दीजिए, इस ट्रिक से आपको अपना करीबी दोस्त चुटकियों में मिल जाएगा। और ट्रिक नंबर 4, कॉपी इमेज। बहुत ज्यादा इजी है लेकिन थोड़ा सा समझाने की जरूरत है वरना आप समझेंगे नहीं। तो तुरंत इंट्रो लगाओ, उसके बाद सब कुछ बताते हैं, ठीक है, लगाओ। जब मैं बुरे हाल में था तुम मेरे साथ थे क्या, पूछ उस वक्त में मेरे हालात थे क्या, मैं गाने बरसाने लगा मौसम ये बरसात थे क्या, रैपर मुझसे मिलना चाहते थे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला जो चीज मैं आपको सिखाने वाला था, कन्वर्ट MP4 फाइल टू MP3 इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। कैसे? ऐसे, सबसे पहले आप फाइल मैनेजर को ओपन कीजिए, उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर वीडियो फाइल को आपको कन्वर्ट करना है उसको टैप करके रखिए, रीनेम करके एक ऑप्शन आ गया उस पर क्लिक कीजिए और MP4 में क्लिक करके उसको MP3 लिख के सेव मार दीजिए। यहां पर वार्निंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मार दीजिए। देखिए आपका ऑडियो फाइल रेडी हो गया रहेगा। और अगर वापस से कभी उसी फाइल का वीडियो फाइल जरूरत पड़ती है आपको तो वापस से रीनेम करो, MP4 मारो, बस वीडियो हाजिर हो जाएगा। क्यों है ना मजेदार? कहां कहां दूसरे ऐप के पीछे भागते रहते हो आप लोग। एक्चुअली ये आपकी गलती नहीं है, समझ रहे ना, मतलब आपको अभी तक इतना सिंपल और इजी करके समझाने वाला कोई यूट्यूब चैनल था ही नहीं। खैर अब तो मैं आ चुका हूं तो सब्सक्राइब मान लीजिए, ऐसे वीडियोस हर रोज आ रहा है, मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के रोज आ रहा है। आइटम नंबर 2 जो कि था आपके प्यारे दोस्त को बावड़ा करने वाला एक ट्रिक। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एक सेटिंग्स बस आपको आपके दोस्त के फोन में आपके दोस्त के अनजाने में ऑन कर देना है और आपका दोस्त का फोन कुछ ऐसा करेगा, जब भी टैप करेगा और हलचल मच जाएगा आपके दोस्त के फोन में। क्या सोच रहे हो कैसे करना है, आओ बताते हैं। सिंपली डेवलपर मोड को ऑन कीजिए, नहीं आता, अबाउट फोन में जाओ, बिल्ड नंबर मिलेगा वहां पर 7 times टैप करो, डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। उसको ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिंपली सर्च मारो डेवलपर ऑप्शंस, आ गया टैप करो, एकदम नीचे के साइड में जाओ, वहां पर जाके तुमको एक ऑप्शन देखो मिलेगा शो व्यू अपडेट्स या फिर रह सकता है शो सरफेस अपडेट, ऐसा कुछ। इन दोनों में से अगर कोई भी मिला तो सिंपली उसको बस ऑन कर दो, नेक्स्ट होम बटन मारो, मिनिमाइज करके सेटिंग्स को वहां से उड़ा दो और बस मजे लो जिंदगी का। ट्रिक नंबर 3, सिंगल लॉन्डो या फिर लॉन्डियों के लिए सबसे करीबी दोस्त कौन हो सकता है, सोचिए सोचिए। अबे आप खुद बे, हाँ और नहीं तो, आपके खुद के अलावा कोई आपका सबसे प्यारा दोस्त हो सकता है? गया नहीं भेजे में, आओ समझाते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि हम हैं इंडियंस, हमारे पास जुगाड़ों का कमी नहीं है, ठीक है। अब ये जुगाड़ मैं तो करता हूं, आपका पता नहीं। देखो नॉर्मली जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट फोटो वीडियो, मतलब मान लीजिए मुझे 10 minutes बाद जरूरत पड़ सकता है, जैसे कि बहुत बार हुआ है मेरे साथ, मैं बाल कटवाने जाता हूं तो एक फोटो दिखा के मैं बाल कटवाता हूं, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो फोटो को मुझे गैलरी से ढूंढ के रखना है, उसी के जैसा कटवाना है। अब मेरा लाइन आने के बाद अगर मैं फोटो को ढूंढने में 20 minutes लगा दूंगा तो दूसरा कोई बाल कटवाने बैठ नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं पता है, जिस भी फोटो की मुझे जरूरत है उस फोटो को मैं किसी दोस्त के पास भेज देता हूं और व्हाट्सएप में जाके बस बैठा रहता हूं, जब मेरी बारी आई बस उस दोस्त का चैट ओपन किया, फोटो को क्लिक किया, बस देखो। अब इससे आपका दोस्त बहुत बार डिस्टर्ब भी हो सकता है लेकिन आप खुद तो नहीं डिस्टर्ब होगे ना, मतलब आप अगर खुद ही को व्हाट्सएप में मैसेज भेजोगे और फोटो भेज के रख दोगे अपने ही नंबर पे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा बे, लेकिन खुद को मैसेज कैसे भेजे भाई, नंबर सेव करके ट्राई कर ले, नहीं होगा तो फिर
सिंपली गूगल क्रोम में जा, न्यू टैब ओपन कर, वहां पे जाके लिख wa.me/plus91। इंडिया में रहता है ना तो +91 मार, और अगर तू इंडिया से बाहर रहता है कहीं पे भी तो वो वाला कंट्री कोड मार, उसके बाद अपना फोन नंबर मार और एंटर मार। सर्च हो जाने के बाद यहां पर लिखा है कंटिन्यू टू चैट, एक ऐसा ऑप्शन आएगा, उस पर टैप कर, देख तू खुद ही के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर सकता है। अब अगर तू सिंगल है तो और अच्छा है ना, जितनी गंदी गंदी हरकतें कर सकता है कर, समझ रहे हो ना, बड़ा हरामी हो बेटा। और लास्ट आइटम नंबर 4, कॉपी इमेज। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्त मान लीजिए हम किसी भी तरीके के टेक्स्ट को जब कॉपी करते हैं तो यहां पर ये वाला चीज आता है कि नहीं, लेकिन कभी फोटो को कॉपी करते सुना है ऐसे? आज दिखाता हूं, आओ। इसके लिए भी वापस से आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, गूगल पे जाना है, उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर चीज का आपको फोटो कॉपी करना है उसको सर्च कीजिए, इमेज में जाइए, ये आ जाए, उसके बाद इसको टैप कीजिए और थोड़ा सा इस फोटो के ऊपर टैप करके रखिए, तो देखिए यहां पर एक ये जो दिख रहा है कॉपी इमेज वाला, इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको व्हाट्सएप में चले जाना है और सिंपली यहां पर टैप करते ही देखिए कमाल हो गया ना, क्यों आया मजा? अब ऐसे ही मजेदार वीडियोस अगर आपको रोज रोज देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है, और मुझे भी थोड़ा सा मजे दे दो लाइक मार के, हैं कि सारे मजे खुद ही लोगे। वैसे वीडियो शेयर करना मत भूलना, बाय। पहले देख के गलती ले लेते लेकिन अब सामने से हाथ ये मिलाते, पर हम भी हरामी मिला देते आज जिस हाथ से हम हिलाते।